तो क्या आप भी रोज रोज एक ही तरह की रोटियां खाकर बोर हो गए हैं? जी, आप ही के लिए है। यह है गार्लिक ब्रेड की रेसिपी, और इसे हम कॉम्बो रेसिपी में आज बना रहे हैं, दाल स्नैक्स के साथ, चना दाल स्नैक्स। इसके साथ इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया जाएगा, और इसे बिना किसी अवन या तंदूर के हम आज इसको बना रहे हैं, डायरेक्ट आयरन के तवे पर, और बहुत ही बढ़िया बनेगा ये। वीडियो रेसिपी पसंद आने पर लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिएगा, कर दीजिएगा। ये ऐसी चीज़ है, जितना आप बांटेंगे उतना बढ़ेगा। आप देखेंगे, आप किसी भी सोशल मीडिया पर होंगे, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, आप देखेंगे कि आपका भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, फॉलोअर्स और लाइक कमेंट वगैरह बढ़ने लगेगा। तो ये ऐसी चीज़ है, जितना बांटेंगे उतना मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं रेसिपी। तो गार्लिक नान बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिया है हमने मैदा। मैदा है यहाँ पर 1/2 kg। इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच नमक, या फिर स्वाद अनुसार इसमें डाल देंगे 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। ये डाल देंगे 1 छोटी चम्मच शक्कर, ये नान को अच्छा सा कलर देगी। डाल देंगे 2 छोटे चम्मच तेल, ये शॉर्टनिंग का काम करेगा। अब इसमें डाल देंगे 2 चम्मच दही। बिना किसी खट्टी चीज़ के बेकिंग सोडा अपना काम नहीं करता है, तो इसलिए दही ज़रूरी है इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो तैयार कर लेंगे। डो यहाँ पर हम मीडियम टेक्सचर का तैयार करेंगे, ना बहुत ज़्यादा हार्ड होगा ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो ये देखिए, डो तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर 2-4 बूंद तेल लगा करके इसको ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए कम से कम। जब तक रेस्ट का हो रहा है डो, तब तक यहाँ पे हम ढेर सारा लहसुन है, इसको हम बारीक काट लेते हैं। जी हाँ, बारीक काटना ज़रूरी है लहसुन को। एक बार रफली काट लिया, उसके बाद फिर 1-2 मिनट इस पे इस तरीके से चाकू चलाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा बारीक हो जाता है। ये देखिए, लहसुन बारीक हो चुका है। और यहाँ पर दाल स्नैक्स के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, देखिए 2 मिर्ची चॉप कर लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, ढेर सारा लहसुन, टमाटर बारीक कटे हुए 2 लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं बारीक काट लिए, थोड़ी धनिया है, और ये उबली हुई चना दाल है। यहाँ पर हमने 1 कटोरी चना दाल लिया था और उसमें 4 सीटी लगा लिया है। तो चलिए हम सबसे पहले दाल को रेडी करके रख लेते हैं। दाल को हमने सिर्फ थोड़ा सा नमक डाल के उबाला है। तो गैस पर चढ़ा दिया पैन, इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल गर्म होने पर इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। जीरा क्रैकल होने पर इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन कटा हुआ, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा कटा हुआ। इसको थोड़ा सा सौते करते हैं। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटे प्याज, और प्याज को हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। उससे पहले हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्चें। देखिए, प्याज हल्का सुनहरा हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर,
और इसको भी कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए इसलिए थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। अब इसको ढक करके टमाटरों को अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लेना है। देखिए टमाटर यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये चना दाल उबली हुई। ये दाल थोड़ी सी गाढ़ी ही होती है इसलिए हम इसमें थोड़ा ही पानी डालेंगे। और इसमें डाल देंगे ये गरम मसाला 1 छोटा चम्मच और थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया। इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, पहले भी नमक है थोड़ा सा, उसका भी ध्यान रखेंगे। देखिए 3-4 मिनट पकाने के बाद ये दाल बिल्कुल रेडी है, लेकिन खाने के लिए रेडी नहीं है। इसमें अभी एक लास्ट स्टेप और करेंगे, तड़का देंगे, लेकिन वो नान बनाने के बाद, तो इसको साइड में रख देते हैं। इधर डो भी रेस्ट कर लिया है, अब हम फाइनली नान बनाना शुरू करते हैं। तो इसको एक बार और अच्छे से मसल लेते हैं। और इसके मीडियम पेड़े काट लेंगे, ये डिपेंड करता है आप कितना बड़ा नान बनाना चाहते हैं। किचन सरफेस या चकले पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। नान को थोड़ा ऑबलॉन्ग शेप में बेला जाता है, नीचे से थोड़ा खिंचा हुआ। देखिए ये बेल चुका है। अब इसके ऊपर हम बारीक कटा हुआ लहसुन, जिसमें हमने थोड़ी सी हरी धनिया भी मिला दी है बारीक काट करके, इसको फैला देंगे अच्छे से और हाथों से दबा देंगे अच्छे से। वैसे तो ये हाथों से भी दब जाता है अच्छे से, बट और ज़्यादा निश्चिंत होने के लिए इसके ऊपर एक बार बेलन भी चला देंगे, जिससे कि ये जो लहसुन है वो अच्छे से इसमें चिपक जाए। देखिए बढ़िया चिपक गया है। अब इसको पलट करके दूसरी तरफ से हम इसमें पानी लगाएंगे। पानी आपको अच्छे से लगा लेना है, जिससे कि ये तवे पर चिपक जाए। इधर हमने एक लोहे का तवा गैस पर चढ़ा दिया था, जो कि अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर हम ये नान को डाल देंगे। जिधर पानी लगाया था वो हिस्सा नीचे, और फिर थोड़ा सा उंगलियों की सहायता से इसको दबा देंगे, जिससे कि ये तवे पर अच्छे से चिपक जाए। और इस समय अब आँच को आप मीडियम कर देंगे और लगभग 30-40 सेकेंड बाद इसको पलट करके तवे को इस तरीके से सेकेंगे नान को। ये देखिए नान पूरी तरीके से सिक चुका है, इसको नीचे से भी छुड़ा लेते हैं। देखिए बढ़िया सिक चुका है, दोनों तरफ से सिक चुका है।
ये देखिए बढ़िया खड़ा हो जा रहा है नान ये। इसी तरीके से हम सारे नान तैयार कर लेंगे। हम आपको कलौंजी का नान भी बनाना बता रहे हैं, एक दिखा देते हैं। तो ये दूसरा नान भी हमारा बन गया है, गार्लिक नान। कलौंजी फ्लेवर नान बनाने के लिए इसको बेलने के बाद इसके ऊपर कलौंजी डाल देंगे, इसे अनियन सीड भी कहते हैं। तो इस तरह डालने के बाद इसको भी हाथों से प्रेस कर देंगे और बेलन से भी प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। बाकी प्रोसेस सेम रहेगी, इसके भी उल्टे तरफ से पानी लगा करके अच्छे से इसको भी सेम प्रोसेस से सेक लेंगे। इसी तरीके से दोस्तों आप सिर्फ प्लेन बना सकते हैं, सिर्फ धनिया का बना सकते हैं, कसूरी मेथी का बना सकते हैं और अलग 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 फ्लेवर का नान बना सकते हैं। तो देखिए ये भी तैयार हो गया है। अब हम एक लास्ट स्टेप बट नॉट लीस्ट, बहुत ही टेस्टी स्टेप है ये, थोड़ा सा देसी घी लेंगे। पिघलने के बाद इसमें हम बचा हुआ जो लहसुन है उसको डाल देंगे। लहसुन अच्छे से सुनहरा होने के बाद हम इसको तड़का देंगे अपने दाल स्नैक्स को। लीजिए पड़ गया तड़का भी दाल स्नैक्स में। अब हम लास्ट में नान में लगाएंगे पिघला हुआ बटर, आप इसकी जगह घी भी लगा सकते हैं। लीजिए बढ़िया गार्लिक नान विद दाल स्नैक्स, चना दाल स्नैक्स बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी है। सर्व कीजिए गर्मा गर्म और एंजॉय कीजिए। तो देखा कितना आसान है इसे बनाना और ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये, आपको इतनी अच्छी लगेगी कि आप दो दो बार कमेंट करेंगे वीडियो पर। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, टाटा।